You are reputed with consistently picking films which actually not only have a certain credibility about them, but also have a popular and mass appeal with a meaningful content. Whether you have your Rangdevasanti, I mean, my friend Kamlesh Pandey is sitting here, Rangdevasanti, Three Idiots, Dangal, PK. There is a certain kind of social content that you keep seeking. Nonetheless, I'm saying you are reputed to unfailingly. In the last, at least in the last dozen years or so, you have picked winners. Okay. What is what is the what is the sort of what is the method that you? I choose? wish I knew ya. Yeah. No, nonetheless, nonetheless, <laughs> I mean, I want I knew. you to ponder on this and tell me how do you? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं और वो मेरी फिल्मों की जो सफलता है उसका क्रेडिट वो अक्सर मुझे देते हैं क्योंकि लगातार मेरी इतनी फिल्में कामयाब हुईं हैं। अब ये एक कोइंसिडेंस है कि जी सारी फिल्में इतनी कामयाब कोइंसिडेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई मीन आई आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे फ्रॉम ऑल द पीपल हु ऑन द फिल्म लेकिन फैक्ट ये है कि यार मैं आप सब राइटर यहाँ बैठे हैं फैक्ट ये है कि ये कहानियाँ मैंने इनमें से एक भी नहीं लिखी ये कहानी शुरू हुई है एक शख्स के जहन से जब राजू ने पीके पे काम किया या थ्री डेट्स पे या आशुतोष ने लगान लिखी अमोल गुप्ते ने तारे ज़मी पर लिखी फिल्म है लेकिन इनकी शुरुआत हुई है एक ऐसे uh, से, एक ऐसे इंसान के जहन से और वो फिर एक ऑर्गेनिक उसमें ग्रोथ हुई है आई स्ट्रॉली बिलीव इन दैट आज तक मैंने बहुत कम फिल्म ऐसी जो मेरे लिए लिखी गई हैं कि भाई मैं आपके साथ फिल्म करना चाह रहा हूँ और हम लोग एक साथ में फ़िल्म करते हैं आप प्रोड्यूसर हैं मैं एक्टर हूँ या आप डायरेक्टर हैं और मैं एक्टर हूँ और आप मेरे लिए ख़ास कोई अच्छी सी कहानी लिखी मैंने ऐसा बहुत कम किया ऐसा मैंने अंडर प्रेशर किया मतलब एक आध दफ़ा जब मुझे हाँ मैं ना नहीं बोल पाया किसी आ, फिल्मी शख्सियत को तब मैंने मजबूरी में या एक या दो दफ़ा हुआ वन ऑफ द मॉज माई फादर बट आई स्ट्रॉली बिलीव दैट प्रोसेस हैज बी ऑर्गेनिक्ड तो इसमें फिर लेयर्स आते हैं देखिए फिल्म मेकिंग इतनी मुश्किल चीज है कि आप हर लेवल पर रॉन्ग हो सकते हैं आप राइटिंग में रॉन्ग जा सकते हैं मान लीजिए आपकी कहानी बहुत कमाल की स्क्रिप्ट बहुत कमाल की आप प्रेप में रॉन्ग जा सकते हैं आप गलत लोकेशन चुन सकते हैं वो आपकी कहानी खिल के नहीं आएगी आप गलत कास्टिंग कर सकते हैं तो आप गलत एच ओ डी चुन सकते हैं जो उतनी कमिटमेंट से काम ना करें आपकी टीम सही नहीं बनेगी तो ये हो गया सेकेंड लेवल और ये सब मैं मोटी बातें कर रहा हूं इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं कहानी आपकी सही है प्रेप आपका सही है शूटिंग के दौरान आपने गड़बड़ कर दी यू हैव इन शॉर्ट एड वेल इनफ शूटिंग भी आपकी सही हो गई फिर आप एडिटिंग में घुसे एडिटिंग आपने गलत कर दी आपकी फिल्म वहाँ रोंग हो सकती है एडिटिंग भी आपकी सही हो गई आपने साउंड डिजाइन गलत कर दिया आपकी फिल्म वहाँ रॉन्ग हो सकती है आपने मिक्सिंग रॉन्ग कर दी आपकी फिल्म वहां रोंग हो सकती है आपने मार्केटिंग रॉन्ग कर दी आपकी फिल्म वहां रोंग हो सकती है so actually for a film to be successful, you have to, be, you have to hit the ball, you have to center the ball in the bat at least eight, nine or ten times for the film to finally. and it is a collective effort of a huge number of people who. so when you ask me, how am i doing it? it's uh, on some level it's coincidence that it has happened so many times. on some level i think that. Uh, आई यू बी वेरी गुड ए डी बिफोर बिकमिंग एन एक्टर में असिस्टेंट डायरेक्टर था और मैं सवाल बहुत पूछता था तो मेरी सबसे बड़ी आई थिंक स्ट्रेंथ ये है कि मैं सवाल बहुत पूछता हूँ चाहे वो स्क्रिप्ट स्टेज पर हो और फिर हम उसके जवाब ढूंढते हैं या हम प्रेब स्टेज में हो या हम शूटिंग स्टेज में हो तो मैं सवाल पूछता हूँ कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है यार ये मुझे गलत लग रहा है सो वेन यू आंस द क्वेश्चन एंड समटाइम्स यू फील्स केयर टू आंस द क्वेश्चन यार अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया फिल्म कंप्लीट हो चुकी है अब फिल्म देख के मैं ये सवाल पूछ रहा हूं अगर इसका जवाब नहीं मिला तो हम तो गए बट यू शुड हैव द करेज टू क्वेश्चन एंड देन सर्च फॉर आंसर आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन इट दैट्स आई एम समवन हु डजंट गिव अप एट एवरी लेवल एंड आई एम कांस्टेंटली सर्चिंग कांस्टेंटली सर्चिंग कांस्टेंटली सर्चिंग फिल्म के रिलीज के बाद भी मैं ढूंढता हूं हाईलाइट तो यह <laughs> कि फिल्म रिलीज हो चुकी है कामयाब हुई नहीं हुई उसके बाद भी मैं ढूंढ रहा हूं कि यार ये इसमें क्या हो सकता था कैसे होता सकता So I have I think one of the things that is probably my, my strength is I'm a very curious mind and I do not ever feel the fear. Today your topic is whether mind is without fear. I don't feel fear of failing. Mm. I feel fear of not trying. I want to go on my conviction, if I fail, I fail. I will, I will mourn that loss also. I will I will बहुत दुख होता है मुझे और तड़पता हूं मैं लेकिन फिर उससे निकलता हूं जी बिल्कुल